हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान नाइक। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द कॉक फाइट बाय अमीन कामिल टेक्स्ट का पार्ट सेवन्थ। हाँ, पार्ट सेवन्थ। इससे पहले हमने सिक्स पार्ट्स जो है इस टेक्स्ट के डिस्कस कर लिए हैं। ये टेक्स्ट थोड़ा लंबा है, तभी इसके पार्ट्स बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो इस पार्ट जो है वो पार्ट अगर नहीं देखें, आपने आई बटन पर क्लिक करना है तो आपको वो लिंक्स मिल जाएंगे, तो आपने सारे पार्ट्स देखने हैं इसके। तो इसमें डिस्कस करेंगे जो उसके बाद लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसके बाद जो है हम इस मतलब पार्ट सेवन्थ में उसके बाद का डिस्कस करेंगे। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। व्हाट हैव द नेबर्स गॉट टू डू विद इट, डिमांडेड गुलाम खान मंचिंग अ पीस ऑफ ब्रेड। इट्स नॉट द मंथ ऑफ रमदान, द कन्फ्यूजन वुड अराइज अबाउट द डॉन। तो यहाँ पे गुलाम खान बोलता है शाहमाल को कि क्यों मुर्गा को काटें, रात को क्रोविंग करता है, क्यों काटना है, कि नेबर्स को क्या लेना देना है इससे, ठीक है। जो लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ आएगी इसकी, नेबर्स का क्या लेना देना है। मंचिंग मतलब चबा रहा है, अपने ब्रेड चबा रहा है, खा रहा है। बताइए, रमजान का महीना थोड़ी है लोगों को डाउट होगा सुबह क्रोविंग नहीं करनी है, शाम को करनी है। रमजान का महीना तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, You only know how to talk and argue, she added after a while. If you don't want to don't, I myself shall have him killed by Samad, the slaughterer. Do you think I'll fatten this monster of ill omen? तो शामाल को गुस्सा आ गया अपने हस्बैंड के इस व्यवहार से। भाई, बोलती है आप सिर्फ जानते हो आर्ग्यू कैसे करनी है, बहस कैसे करनी है। उसने बोला, किसने, शामाल ने बोला अपने खाउन को, गुलाम खान को, अपने हस्बैंड को बोला, अगर आप नहीं इसको मारना चाहते हैं तो मैं इसको मार के ही रहूंगी। मैं इससे किससे मराऊंगी, समझ से, जो स्लॉटर है नेबर का, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको। समझ कौन था, वो स्लॉटर था जो मतलब मुर्गियों को मारता था, हलाल का था। डू यू थिंक आई विल फैटन, क्या आप सोचते हो इस मॉन्स्टर को, इस भूत को मैं पालूंगी, इस मुर्गे को, ये हमारे फैमिली के लिए कर्स है, अपशब्द है, ठीक है। कर्स मतलब जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया, जिसकी वजह से फ्यूचर में मिसफॉर्च्यून्स आती हैं। डू एज यू लाइक, गुलाम खान एंडेड द डिस्कशन, ओनली डोंट आस्क मी टू बाय अ कॉक अगेन। गुलाम खान बोलता है जो मर्जी कर, जा जो मर्जी कर, मार या ना मार, मगर आज के बाद मुझे नहीं बोलना कि दोबारा मुर्गा लाना। आई वॉन्ट, एज इफ देयर वर अ फेमाइन ऑफ कॉक्स इन टाउन, शामाल ब्लू फायसली इन टू द समावार एंड देन जानी द सिकीनीज पोर कॉक हैंग्स अबाउट द कोर्ट यार्ड द होल डे, वट डू वी नीड एन अदर कॉक फॉर। अब बोल रही है कौन, शामाल बोल रही है, मैं नहीं बोलूंगी दूसरा मुर्गा लाने को, क्या मुर्गों के काल पड़े हैं। फेमाइन का अकाल, अकाल जिसको कमी जिसको बोलेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे फेमाइन का मतलब है कमी, इतनी कमी है टाउन में। असली फेमाइन का मतलब होता है, वर्ड मीनिंग जब जानेंगे, अकाल होता है। क्या हमारे टाउन में, हमारे कस्बे में अकाल पड़ा है मुर्गों का। शामाल को बहुत गुस्सा आ गया और फिर से मतलब गुस्से से समवार को उठाया और बोलने लगी, ऐसे भी जानी का मुर्गा जो है हमारे कोर्ट यार्ड में आता रहता है, हमारे हमको मुर्गे की जरूरत है नहीं, वो आता रहता है मुर्गियों के साथ, हमारे मुर्गियों के साथ रहता है वो। देखो कैसे ट्विस्ट किया उसने अपनी बातों को शामाल ने। शामाल वांटेड टू बी रिड ऑफ द कॉक बाय एनी मींस, शी वाज फिल्ड विद अ प्रोफाउंड डिसगस्ट ऑफ हिम, शी सॉ जानीज वाइट टीथ ग्रीनिंग एट हर, द फ्लटर ऑफ द कॉक्स विंग्स साउंडेड लाइक जानीज शकल टू हर ईयर्स, ही सीम टू हर टू बी द सोल कॉज ऑफ ऑल हर शेम एंड ह्यूमिलिएशन। तो शामाल जो है चाहती थी इस मुर्गे को जितना जल्दी मैं मारूं, जितना जल्दी मैं काटूं, उतना जल्दी ठीक रहेगा। उसको नफरत है, डिसगस्ट मतलब नफरत है अब उससे, किससे, मुर्गे से। वो जानी जब उसकी तरफ देखती है और वो दांत दिखाती है, जब हंसती है तो उससे बड़ा गुस्सा आता है शामाल को, ठीक है। और सोचती है कि जो मेरा मुर्गा, जब उसको पता चलेगा मेरा मुर्गा जो है बांधता रात को, तो वो मुझे टांट करेगी, ठीक है। वो नहीं सुनना चाहती है उसकी टांट, कौन, शामाल जाने का टांट, टांट मतलब तंज नहीं सुनना चाहती है। वो जो चाहती है, वो सोचती है कि ये मुर्गा जो है ये मेरी जो है ह्यूमिलिएशन मतलब बेइज्जती या शेम का जो है एक कारण है, एक रीजन है, एक वजह है यहाँ पे। इस मुर्गे की वजह से मैं शेम फील कर रही हूँ,
कौन सोच रही है? शाहमाल। आराम से समझा रहा हूँ, लाइन टू लाइन एक एक वर्ड समझा रहा हूँ। जिस वर्ड का मीनिंग नहीं आता होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं जरूर आंसर दूंगा। As soon as Ghulam Khan left for work, Shahmal went to summer to see whether he was in. He lived two or three houses away and killing the cocks of the neighbor was his speciality. तो जैसे शामाल खान बाहर गया अपने काम पे गया तो शामाल जल्दी गई अपने नेबर के पास, समद अपना जो पड़ोसी था समद के पास गई, जो मैंने बोला था वो क्या करता था, पड़ोसियों के मुर्गे काटता था। तो उसने जो है नेबर उसके पास गई और वो मतलब उस दो तीन घर के आगे उसका घर था उसके पास गई, कौन शामा वहां पे गई। समद वाज एट होम, ही सा हर फ्रॉम द विंडो एंड गेस्ट हर बिजनेस, सेड गो एंड ब्रिंग हिम हियर, आई विल किल हिम राइट नाउ, बट रिमेंबर आई विल कम टू यू फॉर डिनर, डोंट इमेजिन दैट ओनली द टू ऑफ यू विल शेयर द फेस्ट। तो समझ को पता चल गया ये तभी आई, इसने मुर्गा कटवाना होगा तभी मेरे पास आई। तो उसने अंदर से ही बोल दिया शामल को, जाओ अपने मुर्गे को इधर लाओ, मैं अभी उसको काट लूँगा, मगर याद रखना शाम को मैं आऊँगा खाना खाने के लिए आपके पास, ठीक है, अकेले नहीं खाना। यू आर वेलकम, सेड शामल ने बोला, आपका बहुत बहुत खुश आमदीद, अगर आप आएंगे तो ज़रूर हम खाना जो है आपके लिए रखेंगे, आप आना आपकी का खुश आमदीद है। She came back home with a light heart, a smile on her lips. She was happy that she could now hold her head high. No longer would she have to listen to Johnny's piercing taunts day in and day out. But a strange sight met her eyes when she stepped into her compound. The hens had retreated to the corner, Johnny's cock and her own were struggling desperately with each other, raising clouds of dust around them. John, इधर तक हम डिस्कस करेंगे फिर आगे पढ़ेंगे, क्योंकि लाइन टू लाइन आपको समझाना है, आपको समझ आनी चाहिए। तो अब जो है जाने खुश हो गई, वो वापस आ रही है, ठीक है, अपने घर वापस आ रही है और स्माइल करते करते आ रही है, क्योंकि वो सोच रही है कि अब मैं सिर ऊपर रखूंगी आराम से, कोई मेरे को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा क्योंकि मेरे मुर्गे को आज समर मार देगा। जैसे ही वो अंदर पहुंची तो उसने आवाज़ सुनी जानी, मतलब वो सोच रही मेरे को टांट, जैसे वो अंदर आई ना, कौन, जैसे ही वो अंदर आई उसने देखा कुछ अलग सा ही नज़ारा है अंदर पे, ठीक है, अलग ही नज़ारा है। जैसे अंदर कंपाउंड में पहुंची उसने देखा एक कॉर्नर पे, एक कोने पे जानी की मुर्गियां जो है चुप करके हैं, ठीक है, और उसका मुर्गा क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल मतलब उसका मुर्गा जो है जानी के मुर्गे से क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, मतलब फाइट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं जानी का मुर्गा और शामाल का मुर्गा। किसने देखा, जैसे शामाल अंदर आई उसने देखा उनकी फाइट। जानी द सकीनी वॉज एंजॉइंग द कॉक फाइट फ्रॉम द विंडो, तो जानी द सकीनी क्या कर रही है, वो विंडो अपने विंडो से अपनी खिड़की से देख रही है कॉक फाइट। किस कौन सी कॉक फाइट, जानी के मुर्गे की और शामाल के मुर्गे की, उनके बीच में फाइटिंग चल रही है। अब जब फाइटिंग चल रही है तो वो जानी देख रही है और शामाल भी उसी वक्त वहां पे पहुंची। शामाल discerned a flush of joy on her face. शामाल ने देखा कि जानी के फेस पे क्या है, बड़ी खुशी है, ठीक है, discern मतलब detect, उसने देखा खुशी है। She was apparently sure of her cock's victory. शायद वो उसको यकीन था कि मेरा मुर्गा जो है जीत जाएगा। तो हम बाकी पढ़ा हुआ बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देख, हर वीडियो को देखना, सारे पार्ट्स को देखना, मज़ा भी आएगा और समझ भी आएगी, इंजॉय भी करोगे इस वीडियोज़ को और समझ भी पूरी आएगी, ठीक है, थैंक यू।